समुद्र के किनारे का जनजीवन। उत्तर भारत और मध्य भारत की भौगोलिक बनावट, रहन सहन एवं मानव अधिवास के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आइए अब समुद्र तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानने का प्रयास करें। केरल राज्य के मालाबार तट पर बसा एक गांव है धर्मदम। नारियल के पेड़ों से घिरा यह गांव, जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय के लोग निवास करते हैं। प्राचीन समय से ही यह क्षेत्र ईसाई और इस्लाम धर्म से प्रभावित रहा है। समुद्र किनारे स्थित होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। मछली पकड़ने के अलावा यहाँ के लोग धान की खेती भी करते हैं। समुद्र तट होने के कारण यहाँ पर्यटन का भी विकास हो रहा है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए कट्टुमरम, एक प्रकार की नाव जो कि 5 या 7 लकड़ी के लंबे लट्ठों को रस्सी से बांधकर बनाई जाती है, का उपयोग करते हैं। नाव की तुलना में कट्टुमरम को समुद्र में ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते। इन पर स्थानीय हवाओं का प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ मछुआरे आधुनिक तरीकों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। छोटे और मध्य किसानों की तरह मछुआरे भी होते हैं। छोटे मछुआरे और मजदूर बड़े मछुआरों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। बड़े मछुआरे मशीन युक्त नाव ट्रॉलर का उपयोग करते हैं, जिससे समुद्र में दूर तक जाकर मछली पकड़ी जा सकती है। इसमें कम मजदूरी में अधिक आसानी से मछली पकड़ी जाती है। ये लोग 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाकर झींगा मछली पकड़ते हैं। जैसे जैसे मछली पकड़ने के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, वैसे वैसे छोटे मछुआरों को मछली मिलना कम होता गया। उन्हें आए दिन घरेलू खर्च के लिए उधार लेना पड़ता है। इस तरह ये साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। प्रदूषित जल और मीठे पानी की कमी के कारण भी मछली पकड़ने में कमी आई है। पिछले 40 वर्षों में दक्कन पठार से बहने वाली नदियों पर बांध बन जाने के कारण, नदियों का मीठा जल समुद्र तक नहीं पहुंचने के कारण मछली व्यवसाय में कमी आई है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में इस व्यवसाय को और अधिक विकसित करने के लिए प्रयास करना होगा।